नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महुआ शराब भट्टी पर पुलिस का छापा, करंट लगने से वृद्ध की मौत, कोंडाजी में मूसलाधार बारिश। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। महुआ शराब भट्टी पर पुलिस का छापा। स्थानीय पुलिस ने चांपा के पारदी बेड़ा परिसर में छापा मारकर बड़े पैमाने पर शराब की सामग्री बरामद की। यह कार्रवाई सोमवार 7 जून को की गयी। पारदी बेड़ा में महुआ शराब बनाए जाने की सूचना कुई पुलिस को मिली थी। मौके से 5,300 किलो महुआ सड़वा व अन्य सामग्री समेत 2,91,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। एसडीपीओ भीमराव डेडे के मार्गदर्शन में थानेदार मद ने एपीआई मंडावले, पीएसआई गुरकर, हवलदार लांजेवार ने इस कार्रवाई में भाग लिया। तो वही दूसरी ओर करंट लगने से वृद्ध की मौत। तहसील के नायगांव परिसर में बिजली का जोरदार झटका लगने से खेतिहर मजदूर की मौत हो गई। मृतक परसोड़ी निवासी गोविंद बंशी कोकाड़े है। घटना मंगलवार की दोपहर में हुई। कोकाड़े किसान साहबराव ढगे के खेत में काम कर रहा था। बिजली की डीपी को स्पर्श होने से उसे जोरदार करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जलाल खेड़ा पुलिस का दल घटना स्थल पर पहुंचा। पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानेदार हरिश्चंद्र गावंडे के मार्गदर्शन में सिपाही अरविंद जाधव और अनिल जोशी मामले की जांच कर रहे हैं। तो वही तीसरे और कोंडाजी में मूसलाधार बारिश। क्षेत्र में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। इसके चलते कोंडाली और तरोड़ा गाँव के कई घरों में पानी घुस गया। दोपहर करीब 1 बजे तेज हवा के साथ बारिश ने दस्तक दी। लगभग 2 घंटे मेघ बरसते रहे। इससे कोंडाली स्वास्थ्य केंद्र के पास और निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। कई घरों में पानी घुसने से जीवनावश्यक वस्तुओं का नुकसान हुआ। नायब तहसीलदार नीलेश कदम ने पटवारी को नुकसान का सर्व करने का आदेश दिया है। काटोल तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश चौहान के अनुसार कोंडाली से 15 किलोमीटर दूर खापरी में कुछ घरों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। कई पेड़ धराशायी हो गए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।